अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाता हूँ कि इधर मैं आया हूँ अपनी गाड़ी की अलाइनमेंट और टायर बैलेंसिंग वगैरह करने के लिए। तो दुकानें यहाँ पे तकरीबन नई बनी हुई हैं और यहाँ पे हर दुकान पे नई मशीन्स हैं, बड़ी ज़बरदस्त माशाल्लाह एडवांस सिस्टम है सारा, ठीक है। तो आपको मैं दिखाता हूँ फुल इसका जो है ना अलाइनमेंट और बैलेंसिंग वगैरह हर चीज़ जो हो रही है। अभी उसने शुरू किया तो मैं सोचा कि भाई आपके साथ भी शेयर कर दूँ। तो मैं आपको दिखाता हूँ इधर भाई पूरी दुकान इनकी जो है ना वो फुल नई मशीन के साथ इन्होंने रखे हुए हैं। ये देखें सारा टूल बॉक्स वगैरह हर चीज़ पड़ी हुई है। ये है, ठीक है, यहाँ से ऑपरेट होता है इसका सिस्टम ऊपर नीचे का। ये गाड़ी मेरी के टायर खुल चुके हैं, इधर का टायर खोल दूसरी तरफ शिफ्ट कर दिया। बाहर का एरिया है ये इसकी जो है ना ये मशीन है। फिर इधर टायर वगैरह लगाए हुए हैं। ये इधर देखें बड़ी ज़बरदस्त नई मशीनरी हैं सारी। ये टायर खोलने के लिए है और ये जो है ना ये टायर बैलेंसिंग के लिए है ये वाली मशीन। ये इनका ऑफिस है। अच्छा, मेरे से क्या मिस्टेक हो गई कि भाई आगे के टायर जो है ना वो कहते हैं कि 20,000 तकरीबन किलोमीटर के बाद अगले टायर पीछे कर दें और पिछले आगे कर दें तो आपकी टायर की जो लाइफ है ना वो ज़्यादा हो जाती है, और मेरे से मिस्टेक यही हुई कि मैं भूल गया। भाई साहब जो है ना ये अलाइनमेंट कर रहे हैं, इसने जो है ना आगे वाले टायर पीछे के, मैं सोचा उधर किधर किए, आगे के टायर पीछे कर दिए और पिछले जो है ना वो आगे कर दिए। अभी इधर की जो है इंशाल्लाह साथ साथ उस गाड़ी का भी काम हो रहा है ना। बंदा एक है लेकिन कस्टमर दो पकड़े हुए हैं। बहरहाल चलें, अभी क्योंकि अगस्त या सितंबर में इंशाल्लाह मेरी गाड़ी का जो है ना वो इस्तेमाल रिन्यू होना है, तो तब जाके इंशाल्लाह इस गाड़ी के टायर वगैरह भी नए डलवा लेंगे। तो अभी तो चलाते हैं इंशाल्लाह, ऐसा मसला नहीं है। ये जो है ना इस गाड़ी के टायर बैलेंसिंग करने के लिए भाई साहब जो है ना लगे हुए हैं। अभी बंदा एक है और काम ज़्यादा है। हाँ ऐसा ही बात है। हाँ ये कितने का टायर है ये वाला? ये 300 कौन सी कंपनी है? चाइना वाला। चाइना है, बड़ा टायर है, होंडा CR-V का टायर है जी। 230 का एक टायर है। और मेरी इस निसान सनी का कितना आएगा चाइना का? 140 में एक टायर आएगा। ठीक है, फिर तो ठीक है यार, चाइना का टायर भी सही है ना। ओके, मेरा भी टायर को 2 साल हो गया, 2 साल से ऊपर हो गया। चले फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह टाइम काफ़ी हो गया। अच्छा इधर भाई साहब, इधर इसका डोर का काम भी कोई करता है? हैं? गाड़ी का डोर इधर इधर कोई दुकान में भी नहीं करता है? क्या काम है? वो साइड का डोर खुलता नहीं है, मालूम नहीं है क्या प्रॉब्लम है। अच्छा इधर कोई नहीं है? नहीं, मॉर्निंग में, सुबह में कोई आएगा? मेरा उस साइड का डोर जो है ना वो नहीं खुलता, आपको मैं दिखाता हूँ। ये जो है ना ये इसका पता नहीं लॉक ख़राब हो गया या क्या मसला है जी। मेरी गाड़ी के टायर जो है ना लग चुके हैं, काफ़ी आउट है। हैं? इतना आउट नहीं है? अभी चालू करेगा मालूम आएगा। ये फुल ऑटोमेटिक मशीन है। अभी इसका क्या मतलब है, ज्यादा आउट है?
घंटे का ये वेट लगा रहे हैं जी भाई साहब। तो ये सारा प्रोसीजर अभी ये भाई साहब करेंगे दो टायरों का, उसके बाद जो है ना करेंगे अलाइनमेंट, तो फिर इंशाल्लाह देखेंगे कि भाई गाड़ी की सुबह ही अभी पता चलेगा जब लॉन्ग पे जाऊंगा तो फिर कि गाड़ी की जो है ना वो अभी क्या पोजीशन है। चारों टायर अभी फिक्स हो चुके हैं जी, इनकी बैलेंसिंग हो चुकी है, अभी इंशाल्लाह ये पुर्दा लगाएंगे और अलाइनमेंट करेंगे। अलाइनमेंट के लिए मशीन लगाई जा रही है जी। तो इंशाल्लाह ये सारी तरतीब करने के बाद फाइनल जो है ना वो रिज़ल्ट इसका सुबह ही पता चलेगा, तो इंशाल्लाह मिलेंगे सुबह। ऑटो सिस्टम है, ये मशीनें लगा दी हैं भाई, ठीक है। इधर से स्टेयरिंग जो है ना वो थोड़ा रिमूव कर दे, आई वो हम सेंटर हो गई, स्टॉप हो गया, सेंटर का स्टेयरिंग है जी। चलें सुबह तो मैं इसका आपको रिजल्ट बताऊंगा, लेकिन एक चीज़ मैं बताऊं कि हम लोग पाकिस्तान में जब अलाइनमेंट कराते थे ना, यकीन करें वो तो ट्रकाने वाला काम कर रहे थे, तो इस बंदे ने तो इतना टाइम लगा दिया, हर चीज़ बिल्कुल बारीकी से इसने चेक की है और हर चीज़ को जो है ना वो इसने सेट की है, जो जो चीज़ें अलाइनमेंट के रिलेटेड है। वल्ला मैं तो इससे बड़ा खुश हुआ क्योंकि मैं सर पे बैठा हूँ और सारा काम मैंने देखा है इसका। अच्छा जी, नेक्स्ट डे में गुड मॉर्निंग हो गया और अभी इसका मैंने समझो कि ऑब्ज़र्व जो की है रात को, जो अलाइनमेंट वगैरह हर चीज़ करवा के लाया था, तो 100% तो आप नहीं कह सकते, अराउंड 80% जो है ना वो इसमें फ़र्क लग गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी थोड़ा चलाऊंगा इंशाल्लाह 5-6 महीने तक तो आराम से जाएगी, उसके बाद फिर इसका थोड़ा काम वगैरह कराएंगे, मेंटेनेंस हर चीज़, टायर भी बदली करेंगे इंशाल्लाह इस तुम्हारे पे जाके, तो फिर मज़ीद बेहतरी हो जाएगी इंशाल्लाह। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो किधर ही एंड कर देते हैं, इंशाल्लाह आपको उम्मीद है पसंद आई, लाइक कर दें और चैनल सब्सक्राइब कर दें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।